ये जो दूसरा चार सेंचुरी मारने का हमारा पूरा प्रोग्राम है, होगा क्या? पहले से ज्यादा मजबूती के साथ गठबंधन आएगा। हेमंत सोरेन अगला मुख्यमंत्री होगा, 5 साल मजबूती के साथ झारखंड वासी की खदमत करेगा। नहीं, बहुत अच्छी स्थिति है। मैं पीछे भी 2-3 विधानसभा और भी करके आया हूँ, 3 दिन से यहाँ पे हूँ, तो हमको लग रहा है महागठबंधन की सरकार बनेगी। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप। जैसे जैसे झारखंड में विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें तो तेज हो ही रही है। साथ ही जो नेता हैं वो भी पूरी शक्ति और ताकत लगा रहे हैं। दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होना है। हमारे साथ इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद वीर हैं। उनसे जानते हैं सर क्या खास तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब अंतिम चरण और दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होना है। खास तैयारी यही है जो आप देख रहे हैं। अब ये आखिरी 2 दिन पोलिंग की तैयारी की जाती है, जो कैंपेन, जो एजेंडा, जो प्रोग्राम, वो तकरीबन लोगों तक पहुंच चुका है। और जैसे आपने पहले चरण में देखा कि लोगों ने जबरदस्त वोटिंग की और गठबंधन के हित में की, खासकर महिलाओं ने। और ये जो दूसरा चरण है, इसमें तो सेंचुरी मारने का हमारा पूरा प्रोग्राम है कि ये पहले भी मजबूत एरिया रहा है गठबंधन के लिए, और इस बार भी ये पूरी तरह से गठबंधन को सपोर्ट करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। 43 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, 38 सीटों पर बाकी है। क्या लग रहा है, क्या होगा? नहीं, होगा क्या? पहले से ज्यादा मजबूती के साथ गठबंधन आएगा, क्योंकि हमने काम किया, डिलीवर किया किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, और आगे 5 साल के लिए हमने एजेंडा दिया। हम हवा में वोट नहीं मांग रहे, तो हमने जो एजेंडा दिया लोगों को पसंद आ गया। लोगों को मदद होगा, महिलाओं को मदद होगा, चूल्हे में मदद होगा, गैस की बात हमने रखी, हमने मैया सम्मान योजना की बात रखी, जो 1000 पहले दे रहे थे उसको 2500 के हिसाब से देंगे, और इसी तरह से आपके वजीफे की बात है वो चल रहा है, किसानों को 2 लाख तक कर्जा माफी होगा, बाकी हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर और बाकी चीजों के लिए हमने ऑलरेडी पूरा प्लान दिया है। झारखंड में किसकी सरकार बनेगी, ये संथाल में, ये संथाल से तय होता है। अभी देखिए संथाल के कई सीटों पर चुनाव होने हैं, ऐसे में महागामा भी एक सीट है, तो आप क्या देख पा रहे हैं, क्या स्थिति है? संघर्ष, 3 बार कह चुका हूँ, पहले से ज्यादा मजबूत ताकत के साथ गठबंधन आएगा। हेमंत सोरेन अगला मुख्यमंत्री होगा, 5 साल मजबूती के साथ झारखंड वासी की खदमत करेगा। सर महागामा पहुंचे हैं, क्या देख पा रहे हैं, क्या स्थिति है? नहीं, बहुत अच्छी स्थिति है। मैं पीछे भी 2-3 विधानसभा और भी करके आया हूँ, 3 दिन से यहाँ पे हूँ, तो हमको लग रहा है महागठबंधन की सरकार बनेगी। महागामा संथाल में काउंट होता है सर, और संथाल में कई बड़े नेता पहुंचे, तो चाहे प्रधानमंत्री की बात कर ले, गृह मंत्री की बात कर ले, या फिर केंद्रीय मंत्रियों की बात कर ले, क्या उनके पास एक ही है कि बांटो और ये करो, ठीक है? तो क्या लग रहा है झारखंड में किसकी सरकार बनेगी? 23 नवंबर महागठबंधन की सरकार बनेगी, मैं कह रहा हूँ।